गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग 51 से 100 तक संस्कृत के ऑफिशियल मॉडल पेपर के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो शुरू से लेकर आप तो बने रहिए अंत तक और एक एक प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखते रहिए। देखिए आज का सवाल है, 51 नंबर सवाल है कि आपके सामने है। कटह पद का अर्थ है, कटह पद का अर्थ है ए में आसनों से, बी में पेड़ों से, सी में नदियों से और डी में सागरों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसनों से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 52 नंबर। नालसा नाम गति का चिल्लो के बिना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ए में अलसम, बी में कारुणिकम, सी में नगरम और डी में ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसम। ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसम, ये बात याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, 53 नंबर सवाल। अलस कथा पाठ में अहो कथम अयम कोलाहल, अहो कथम अयम कोलाहल किसकी उक्ति है। ए में पहला आलसी, बी में दूसरा आलसी, सी में तीसरा आलसी और डी में चौथा आलसी। आप लोग बतलाना है इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आलसी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल है देखिए 54 नंबर सवाल। अलग साला में आग किसने लगाई, अलग साला में आग किसने लगाई। ए में आलसियों ने, बी में मंत्री बिरेश्वर ने, सी में अलग साला के कर्मचारियों ने और डी में विद्यापति ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलग साला के कर्मचारियों ने। क्योंकि बहुत सारे धूर्त लोग जो है आलसी का रूप धारण करके भोजन ग्रहण कर रहे थे और आराम से रह रहे थे। इसी की परीक्षा लेने के लिए अलग साला के कर्मचारियों ने क्या किया कि उसमें आग लगा दी, जितने भी धूर्त थे वो सभी भाग गए और आलसी लोग बच गए। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल लिखिएगा, 55 नंबर सवाल है। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताना है, 5, 24, 40 और 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है। ए में पुरुषों से, बी में नारियों से, सी में पुरुष और नारियों से, डी में बच्चों से। तो बताइए, तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों दोनों से चलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप सभी लोग लाइक करते चलिए और कमेंट करते चलिए, राइट आंसर क्या होगा इसको बताते चलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 57 नंबर सवाल देखिएगा। ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बताइए, द्वितीय, सप्तमी, षष्ठी और प्रथमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, षष्ठी। अगला सवाल 58 नंबर। 10 अननानि यस्य सः, 10 अननानि यस्य सः का समस्त पद क्या होगा, इसका समस्त पद क्या होगा। ए में दशाननम, बी में दशाननस्य, सी में दशाननः और डी में दशाननानि, सी में डी में दशाननानि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, दशाननः। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है। उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग, 59 नंबर सवाल देखिए। उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है। ए में उप, बी में उन, सी में उत और डी में नी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत। ठीक है, अगला 60 नंबर सवाल देखिएगा। अ जोड़ उ, अ जोड़ उ माने हर्ष उ,
ह्रस उ है के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ जोड़ ह्रस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए में ओ, बी में ए, ठीक है, सी में ओ, डी में अ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 61 नंबर सवाल देखिएगा, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है, ए में विष्णु पुराण, ए में विष्णु पुराण, बी में भागवत पुराण, सी में नारद पुराण और डी में गरुड़ पुराण, ठीक है, बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 62 नंबर सवाल देखिए, भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे, गायंती किल गीत कहानी, गायंती उस पर खाली स्थान दिया हुआ है, किल गीत कहानी, इसमें राइट आंसर क्या होगा, जना, असुरा, कृष्णा, देवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवा, गायंती देवा किल गीत नानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखिए, नरकश्य इदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, नरकश्य इदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, आप सभी को बतलाना है, आ जोड़ ई हर्ष ई, उसके बाद बी में अ जोड़ हर्ष उ, सी में अ जोड़ हर्ष ई, डी में आ जोड़ हर्ष उ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीर्षक का राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आ जोड़ हर्ष ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 64 नंबर, किस पद में अभी उपसर्ग है, किस पद में अभी उपसर्ग है, ए में अभेद, बी में आभार, सी में अभ्युदय और डी में अभिन्न, ठीक है, ए में अभेद, बी में आभार, सी में अभ्युदय और डी में अभिन्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए 64 में किस पद में अभी उपसर्ग दिया हुआ है, बोलिएगा, तो अभिन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए 65, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, संख्या, विशेषण, विशेष्य आदि में अव्यय, बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अव्यय होता है पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अनाहूतों में कौन सा समास है, अनाहूतों में कौन सा समास है, बताइए अनाहूतों में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, नय, कर्मधारय, अद्वंद्व, बताइए अनाहूतों में कौन सा समास है, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नय। अब देखिए अगला सवाल, संस्कार कितने प्रकार के हैं, संस्कार कितने प्रकार के हैं, ए में 7, बी में 5, सी में 4, डी में 8, संस्कार कितने प्रकार के हैं, 67 का राइट आंसर क्या होगा, 5, संस्कार कितने, संस्कार 16 होते हैं, संस्कार 16 होते हैं, ठीक है जी, संस्कार कितने प्रकार के हैं, संस्कारों की संख्या 16 है और होते हैं कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, संस्कारों की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा रहा तो संस्कार कितने हैं, तो 16 है, प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार, संस्कार को 5 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 68 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, ए में मरणोपरांत, बी में जन्मोपरांत, सी में जन्म के पहले और डी में गृहस्थ आश्रम में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 68 का राइट आंसर क्या होगा जी, बोलिए मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार माने अंतिम संस्कार मरण के बाद होता है, मृत्यु के बाद होता है, ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए,
अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, बताइए। ए में 6, बी में 7, सी में 5 और डी में 10। 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला सवाल, घर की शोभा कौन है, घर की शोभा कौन है? ए में पुरुष, बी में स्त्री, सी में पुत्र और डी में पुत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्री। घर की शोभा कौन है जी? स्त्री है। घर की शोभा कौन है जी? स्त्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, 71 नंबर सवाल है। इदम जोड़ तासिल से कौन सा अव्यय बनेगा? इदम जोड़ तासिल से कौन सा अव्यय बनेगा? ए में अत, बी में इत, सी में अत्र, डी में यत। बताइए 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अत। इदम जोड़ तासिल से अत अव्यय बनेगा। अगला सवाल, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए में महाभारत, बी में रामायण, सी में रघुवंश महाकाव्य और डी में उत्तर रामचरित। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामायण। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रामायण हो जाएगा। रामायण से मंदाकिनी वर्णन पाठ वर्णित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र मतलब इंद्र, शक्र मतलब इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? कवच, कुंडल, कवच और कुंडल दोनों, धनुष, कवच और कुंडल दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर सवाल देखिए, कुत्र तौ कंगनम, कुत्र तौ कंगनम, इसका राइट मतलब उचित यह उक्ति किसकी है? कुत्र तौ कंगनम, यह उक्ति किसकी है? बाघ, पथिक, कौन्तेय और लेखक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पथिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पथिक। पथिक ने पूछा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? कुत्र तौ कंगनम। चलिए आगे, अगला सवाल देखिएगा, 75 नंबर सवाल देखिए, बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? ए में सोना, बी में माला, सी में चांदी, डी में कुश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना। बाघ के हाथ में सोना था, बाघ के हाथ में सोना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 76 नंबर सवाल, सीता रामचंद्र से और उसको खाली स्थान दिया हुआ है आसीत, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। ठीक है, ए में माता, बी में प्रिया, सी में पुत्री, डी में सूता। तो सीता रामचंद्र की कौन थी? तो प्रिया थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 77 नंबर सवाल देखिए, 77 नंबर सवाल, लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? ए में लोक जोड़ ठक, लोक जोड़ मतुप, लोक जोड़ ठक। ठीक है जी, लोक जोड़ ठक और लोक जोड़ इनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोक जोड़ इनी। ठीक है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है 78 नंबर सवाल, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है, इसको बतलाना है। बोलिए, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? ए में कत्वतु, बी में सत्री, सी में कत और डी में सानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कत्वतु। अगला 79 नंबर सवाल का आंसर बतलाना है आप लोगों को, शिक्षक जोड़ ताप से कौन सा पद बनेगा? शिक्षक जोड़ ताप से कौन सा पद बनेगा? ए में शिक्षका, बी में शिक्षा, सी में शिक्षित, डी में शिक्षिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 80 नंबर सवाल देखिएगा, 80 नंबर सवाल आपके सामने है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? ठीक है, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? ए में किम दिया हुआ है, ए में किम दिया हुआ है, बी में का दिया हुआ है, सी में कह दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क। अगला सवाल, क्रिया के जनक को कहते हैं, क्रिया के जनक को क्या कहते हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर, क्रिया के
जनक को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। ए में समास, बी में संज्ञा, सी में कारक और डी में कर्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारक। चलिए क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है 82 नंबर सवाल। देखिए किस वाक्य में कर्त्री कर्णयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। किस वाक्य में कर्त्री कर्त्री कर्णयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में बालकेन विद्यालय गम्यते, बी में मोहना पादेन खंजर अस्ति, सी में प्रकृत्या चारु अयं बालक, डी में तुम मया साकम चल। इसका राइट आंसर आप लोगों को बतलाना है क्या होगा जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बोलिए। ये हो जाएगा बालकेन विद्यालय गम्यते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है, अगला सवाल 83 नंबर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? 83 नंबर सवाल बताना है। ए में तत्पुरुष, बी में द्विगु, सी में बहुव्रीहि, सी में बहुव्रीहि और डी में अव्ययीभाव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी फटाफट बताइए। तो जाति का ऑप्शन सी हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, अगला सवाल 83 नंबर। एक जोड़ एक की संधि क्या होगी? एक जोड़ एक की संधि क्या होगी? ए में एक एक, बी में एक एक, सी में एक एक, डी में एक एक, डी में एक एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक एक। एक जोड़ एक का संधि एक एक हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 85 नंबर। विच्छेदा में कौन सी संधि है? विच्छेदा में कौन सी संधि है आप लोग बतलाना है। स्वर, ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और यण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, विसर्ग। नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा व्यंजन। ठीक है, विच्छेदा में व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 86 नंबर। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद क्या होगा जी? ठीक है, पो जोड़ अक, पे जोड़ अक, प जोड़ अक, पय जोड़ अक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प जोड़ अक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है 87 नंबर। च जोड़ अस्थि की संधि क्या होगी? च जोड़ अस्थि की संधि क्या होगी? ए में चाउस्ति, बी में चायक, सी में चेस्ति, डी में चास्ति। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल 88 नंबर। अस धातु के लित लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा? अस धातु के लित लकार का रूप निम्न में कौन होगा? 88 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बतलाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशीष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? 89 नंबर, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 90 नंबर सवाल। सस्नेहम में कौन सा समास है? स्नेहम में कौन सा स्नेहम में कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में द्विगु, सी में अव्ययी भाव और डी में बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बतलाना है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बतलाना है। कितना नंबर सवाल है जी? 90 नंबर सवाल है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कथवा प्रत्ययांत अव्यय निम्न में कौन सा है? कथवा प्रत्ययांत अव्यय निम्न में कौन सा है? ठीक है, ए में गतम दिया हुआ है, बी में उपगम्य दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है गतवा, डी में दिया हुआ है दर्शनम। ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा गतवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है 92 नंबर। पटुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? कितना नंबर सवाल है? 92 नंबर।
पतुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए में तरप, बी में तमप, सी में मतुप, डी में ठप। आप लोग बतलाना है इसका राइट आंसर। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मतुप है। ठीक है, अगला सवाल 93 नंबर। शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? 93 का बताना है। उपकार, परोपकार, स्वार्थ, क्रोध। शांति जो है परोपकार से स्थापित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 94 नंबर सवाल देखिए। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? ए में संकुचित हृदय वालों के लिए, बी में भिखारी के लिए, सी में दिया हुआ उदार चरित्र वालों के लिए, डी में राजा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदार चरित्र वालों के लिए। सारा संसार क्या है? अपना परिवार के समान है। अगला सवाल, करणियम पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? करणियम पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? कर जोड़ अनियर, बी में क्री जोड़ तव्यर, सी में क्री जोड़ अनियर, डी में क्री जोड़ सत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्री जोड़ अनियर। चलिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 96 नंबर सवाल है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है यथाशक्ति, ए में दिया हुआ है, नीलोत्पलम बी में दिया हुआ है, और राजभवनम सी में दिया हुआ है, और राम लक्ष्मणौ डी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम लक्ष्मणौ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 97 नंबर सवाल देखिएगा। 97 नंबर सवाल आपके सामने है। निरुक्त के रचनाकार कौन है? निरुक्त के रचनाकार कौन है? ए में पाणिनी, बी में गौतम, सी में लगभ, डी में व्यास। आप लोग बतलाना है निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यास। निरुक्त के रचनाकार व्यास है। 98 नंबर सवाल, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? ए में शिक्षक, बी में प्राचार्य, सी में शिक्षिका, और डी में छात्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। ठीक है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। लता शब्द के पंचवी भक्ति एक वचन का रूप है। लता शब्द के पंचवी भक्ति एक वचन का रूप है लताया, लतायाम, लतया, लताम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लताया। चलिए अगला सवाल देखिए, 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। देख लीजिए, बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? आप लोग बतलाना है। तृतीया ए में दिया हुआ है, पंचमी बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है चतुर्थी, और डी में दिया हुआ है सप्तमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सप्तमी। चलिए तो 100 प्रश्नों को हम लोग ने सॉल्व किया, 51 से लेकर 100 प्रश्न थे यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और बहुत बढ़िया होगा।